लेकिन जब से 2014 से बीजेपी की हुकूमत आई, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर तशद्दुद बढ़ता ही चले जा रहा। आप देखेंगे इसमें गोदी मीडिया के ज़रिए मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाई जा रही। इसी नफ़रत के तहत एक मुल्क में जो ऐसे हालात हो गए तो उनसे खरीद फरोख्त बंद किया जा रहा। अगर वो बस्ती में ठेले बंडी वालों को आने नहीं दिया जा रहा, नाम पूछ पर उन पर हमले किए जा रहे हैं। इसी नफरत के नतीजे में एक नौजवान 2524 उसका नाम है, इस नाम से उसकी आईडी है, अल्लाह के रसूल अल्लाह और अल्लाह के रसूल फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करा, तरह तरह के गालियाँ लिखा उन्हें। हम यहाँ पर मुगलपुरा PS पर उसके खिलाफ कंप्लेन दिए, FIR शाम में बुक हो जा रही उसके ऊपर, FIR कॉपी शाम में देते बोले सर्कल साहब, उसको फौरी गिरफ्तार करो और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इन लोगों के खिलाफ BJP हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए उन लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं। वो तरह तरह के जो है शान में अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। आप देखेंगे हुकूमत इनके ऊपर FIR करो तो उसका ट्रांसफ़र कर देते। दुनिया थूक रही है लोगों के ऊपर, शर्म आना चाहिए ऐसी हुकूमत को जो मुजरिमों को जो है सो भरी छोड़ दे रहे और बेकसूर लोगों को जेलों में डाल दे रहे। हमारी डिमांड है ये जो गुस्ताखी करा इस शख्स को फौरी गिरफ्तार करे और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये आप बताइए ना, आपके पास प्रूफ क्या है कि सब आपका नाम आप क्या तंजीम से? सलाउद्दीन अफगान, दरसगाह जादो शहादत, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन उमर, DJS ऑर्गेनाइजेशन। साहब क्या बोले? कंप्लेन हमारी एक्सेप्ट कर लिए, शाम में FIR कापी देते बोले, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते बोले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दरसगाह जिहाद व शहादत की जानिब से आज मुगलपुरा PS में एक इस्लाम दुश्मन, ना सिर्फ इंसानियत दुश्मन शख्स के खिलाफ, जिसका नाम 2524 है, FIR बुक किया गया। ये जालिम अल्लाह तबारक ताला की शान में गुस्ताखी करा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात लिखा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में बुरा भरा लिखा, काबतुल्लाह के बारे में बुरा भरा लिखा। मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को अपनी जान, अपने माल, अपने माँ बाप से ज़्यादा पसंद करते हैं। इस सिलसिले में कोई गुस्ताखी करता है तो उसका क्या अंजाम है मुसलमान जानते हैं। इंशाल्लाह वो जो हरकत किया है उसने, इसके अंदर इस्लाम में कोई कमी पेशी नहीं होगी उससे, लेकिन हमें तकलीफ़ हुई है। इस तकलीफ़ की वजह से हम यहाँ पर FIR करने आए हैं और सर्कल ये तयकीन दिए हैं कि शाम में FIR इशू कर देंगे। और हमारी ये डिमांड है कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सोशल मीडिया का ऐसा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर ये चीज़ कोई एक मुसलमान करता जिसका नाम अब्दुलरहमान अब्दुलरहीम होता तो आज उसके ऊपर सोमोटो केस बुक होता। लेकिन एक बंदा 17 अप्रैल के दिन ये गुस्ताखी करता है और आज 10 तारीख आ गई है, पुलिस कोई एक्शन नहीं, कोई सोमोटो केस नहीं। एक बंदा चौबे नहीं है, इस तरह कई लोग, सैकड़ों लोग फेसबुक के अंदर दावतुल्लाह की बेहरमती कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अल्लाह की अजमत को पामाल कर रहे हैं, उम्मातुल मुस्लिमीन के साथ बुरा भला कह रहे हैं और मुसलमान आम औरतों को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये भाजपा हुकूमत आने के बाद इस मुल्क के अंदर इंसाफ अदल बाकी नहीं रहा, इससे पहले भी नहीं था, ये आने के बाद और ख़त्म हो गया। इन हालात से मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है। अगर ऐसे हालात आएंगे, ऐसे गुस्ताखाना कलमात लिखे जाएंगे तो कैसे मुसलमान खामोश बैठेगा? इनकी बेचैनी लाजमी है और होके रहेगी। वो तो हमारी डिमांड है कि इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये जिम्मेदारी हुकूमत कवानीन की है, आखिरत में जो अंजाम है वो तो डिक्लेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये मालूम पड़ा सर कहाँ का है बंदा? ये बंदा कहाँ का है पता नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो चौबे हैं उसके ऊपर FIR करें। उसका नाम कुछ भी होगा रियल में, लेकिन फेसबुक आईडी के अंदर जो नाम है उसका, उसके ऊपर FIR करें। उसके तस्वीर हैं और ऐसा नहीं है कि फेक आईडी नहीं है। ये दावा इसलिए कह रहा हूँ मैं, 2017 से वो फेसबुक आईडी यूज़ कर रहा है और उसके 517 फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जी, जिसके अंदर तकरीबन 300 लोग उसकी तायद कर रहे हैं उस हरकत की। तो ये जो चीज़ है कोई फेक आईडी नहीं है, जेन्युइन आईडी है उसकी। और सरकार साहब ये तयकीन दिए हैं कि जो है शाम में FIR इसका इशू कर देंगे और उम्मीद है हमें कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।